शरद पवार को यूं ही नहीं महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। एमबीए गठबंधन में गुरुवार को इस मराठा छत्रप ने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। एमबीए में कांग्रेस और उद्धव शिवसेना के मुकाबले काफी कमजोर एनसीपी शरद पवार ने अपने लिए उतने ही टिकटों का जुगाड़ कर लिया जितने पर उनके दोनों सहयोगी चुनाव लड़ेंगे। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत नजदीक से देखने वाले जानते हैं कि इस बार ये बुजुर्ग राजनीतिज्ञ पहले ही ऐसे इशारे कर रहा था कि सीट शेयरिंग में एनसीपी एसपी कम सीटों पर तैयार नहीं होने वाली है और मौका आने पर ऐसा करके भी दिखा दिया। एमबीए की बात करें तो इसमें शामिल शिवसेना यूबीटी एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान हो चुका है। राज्य की 288 सीटों में से 255 सीटों के लिए सीट शेयरिंग का ऐलान किया जा चुका है। तीनों घटक दलों के खाते में अब तक समान रूप से 85-85 सीटें गई हैं। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान करने से पहले कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच तकरार खुलकर सामने आई। दोनों दलों की लड़ाई का फायदा शरद पवार की पार्टी को मिलता दिख रहा है। कांग्रेस और शिवसेना के बीच जारी इस लड़ाई के केंद्र बिंदु में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी है। दोनों दल चुनाव से पूर्व अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि नतीजे गठबंधन के पक्ष में आने पर इसके लिए दावेदारी ठोकी जा सके। आपको बता दें कि सीएम बनने के लिए ही उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ दशकों पुराना गठबंधन तोड़ लिया था। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी की तरफ से उद्धव ठाकरे का नाम सीएम कैंडिडेट के तौर पर मजबूती से उछाला जा रहा है। वहीं कांग्रेस के पास इस पद के लिए कई दावेदार हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में मिली शानदार सफलता का फायदा उसे विधानसभा चुनाव के दंगल में भी मिल सकता है। एमबीए की इस लड़ाई में शामिल दलों का सारा ध्यान सीएम की कुर्सी पर है। यही कारण है कि तीनों दल बराबर की संख्या में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनाव नतीजे सामने आने के बाद जिसकी जितनी संख्या रहेगी उस हिसाब से मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोका जा सकेगा। अगर एमबीए के पास चुनाव नतीजों में बहुमत होगा तो इसमें शामिल तीन प्रमुख दलों में से जिसके पास सबसे अधिक संख्या बल होंगे उसके द्वारा सीएम की कुर्सी पर दावा पेश किया जाएगा। अब तक एनसीपी एसपी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं था। 83 वर्षीय शरद पवार अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के चयन और चुनाव प्रचार पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे थे। एनसीपी एसपी लगभग 70 से 75 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही थी। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि सीएम पद की महत्वाकांक्षा या रेस में वह शामिल नहीं है। पर अब जब एनसीपी एसपी 85 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है तो तीनों में से कोई भी पार्टी जो सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार वो सब करने के लिए जाने जाते हैं जो कोई ना जान सकता है और ना समझ सकता है। उद्धव ठाकरे को कम विधायकों के साथ महाराष्ट्र की गद्दी दिलवाना हो या अपने भतीजे अजित पवार को बीजेपी कैंप में भेजकर डिप्टी सीएम बनवाना हो, उसे न केवल डिप्टी सीएम बनवाया बल्कि तुरंत वापस बुलाकर मोदी शाह जैसे ताकतवर जोड़ी की किरकिरी भी करा दी। अभी उनके भतीजे अजित पवार शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम हैं और महायुति गठबंधन के साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं। पर अभी भी बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि पवार चाचा ने अपने भतीजे को अपने एंटी गुट में किसी रणनीति के तहत प्लांट किया हो, क्योंकि भतीजा जब जब चाचा से मिलता है एनडीए की धड़कन बढ़ जाती है। अब चाचा का नया कारनामा है कि एमबीए में एनसीपी एसपी को कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बराबर सीट हासिल कर ली है। शायद यही कारण है कि शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। उनकी हर दल में पैठ है। मनमोहन सरकार में वो 10 साल तक केंद्रीय मंत्री रहते हैं। मोदी सरकार उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित करती है। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी से बगावत कर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और साल 1978 में जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार का गठन किया और राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण करते हैं। 1980 में इंदिरा गांधी उनकी सरकार को बर्खास्त करती हैं, लेकिन शरद पवार 1983 आते आते
कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट का गठन कर प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ एक बार फिर बना लेते हैं। 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को मिली 54 सीटों पर जीत ने उन्हें वापस प्रदेश की राजनीति की ओर खींचा। शायद शरद पवार ने लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा में विपक्ष का नेतृत्व करते हैं। 1987 में वो एक बार फिर अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में वापसी करते हैं। राजीव गांधी के नेतृत्व में आस्था जताकर उनके करीब हो गए। शरद पवार 1988 में शंकर राव चौहान की जगह सीएम पद की कुर्सी हासिल कर लेते हैं। 1990 के विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में 141 पर कांग्रेस की जीत हो पाई थी, लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी शरद पवार ने 12 निर्दलीय विधायक की मदद से सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। ऐसा कर वो तीसरी बार सीएम बनने में कामयाब होते हैं। इतना ही नहीं, 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद शरद पवार का नाम नारायण दत्त तिवारी, पीबी नरसिम्हा राव के साथ पीएम पद की रेस में भी शामिल हो जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।